वर्षा सिर पर आ गई, हरी हुई सब भूमि, बागों में झूले पड़े रहे भ्रमणगण भूमि। भारतेन्दु हरिश्चंद्र, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेन्दु हरिश्चंद्र 18वीं व 19वीं शताब्दी के लेखक रहे हैं। उन्हें भारतीय साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। और हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेन्दु हरिश्चंद्र से माना जाता है, जब राज्य का शासन और राज्य के बागडोर को लेकर जनमानस का शंका फैलती है तो किस चतुराय का अवलंबन करते हैं महर्षि? आइए देखते हैं क्या होगी उस समय की सामाजिक स्थिति जब भारतेन्दु ने ऐसे नाटक को लिखा। हिंदी नाटक के जनक को नमन करते हुए उनके इस पुरजोर रंग का आनंद लेते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा। You got it.
अच्छा मैं पूरब की दिशा में जाता हूँ, लेकिन फिर तुम दोनों किस दिशा में जाओगे? ठीक है तो तय रहा, तुम दोनों इसी नगरी में रहना और मैं पूरब की दिशा में जाता हूँ। चलो फिर मिलते हैं। संध्या का समय हो रहा है और नारायण दास और गुरुदेव दास अभी तक नहीं आए, पर ये बड़ा अच्छी बात है।
करूंगा। एक काम करो, उस बाबूजी को फिर से बुला।
जी महाराज, तुम कुछ सुना नहीं चाहते हाँ महाराज, तुम तो छोड़ ही, तुम्हें तो भगवान ने दिमाग नहीं दिया, एक काम करो, कारीगर को बुला के लाओ। जी महाराज। कारीगर को पेश किया जाए। Yeah.
दोनों को पास नहीं दी जाएगी। अब तुम तय करो काशी में कौन चढ़ेगा। गुरु का जीवन में स्थान कितना विशेष है।
हाँ बिल्कुल, ऐसे महान गुरु जिन्होंने मुक्त शिक्षा की वकालत की थी, महात्मा गांधी जी जिन्हें खुद गुरुदेव की उपाधि दी, ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, खुश रहना बहुत सरल है लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल। कितना गहरा अर्थ है इस वाक्य में। अंग्रेजों से मिली नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद उसे वापस कर देने वाले भारत का पहला साहित्यकार नोबेल जिनके नाम पर है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगीत के शब्द लिखे, ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर जब बच्चों के लिए साहित्य सृजन करते हैं तो वे कितनी सुंदरता से परिकल्पना के पर फैलाते हैं और हमें उस समय में ले चलते हैं। इच्छा पूर्ति से वे हमसे एक सार्थक संवाद करते हैं। इच्छा पूर्ति पड़ेगा और वो कड़वा कड़वा काढ़ा पीना पड़ेगा।
सबसे ज्यादा जरूरी फटाके फोड़ने वाला कार्यक्रम है। परीक्षा का क्या, हर महीने आती रहती है, हर महीने जाती रहती है, और मैं हर महीने फेल होती रहता हूँ। पिताजी आ रहे हैं, मैं अभी घर के लिए निकलता हूँ। अरे बेटा, काढ़ा नहीं पियोगे? पिताजी, मेरा पेट अचानक से एकदम ठीक हो गया। अब मुझे आपके काढ़े की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे देरी हो रही है, मैं अभी जाने के लिए निकलता हूँ। रुको जरा, सबर करो, इतना दर्द हो रहा है, इतना जल्दी तो ठीक नहीं हो सकता। तो अब तुम्हें काढ़ा पीकर सारा दिन इसी कमरे में आराम। बोलो आ ना। ना नहीं बेटा, बोलो आ ना। अच्छा ठीक है, बोलो ना, ना। इसमें थोड़ा करेले का पानी, थोड़ा सा नीम का पानी, थोड़ी सी मुलेठी और थोड़ा गौमूत्र। बेटा बेटा मुंह, बेटा मुंह, चलो अब सारा दिन इसी कमरे में आराम करो। हे भगवान, ऐसे पिताजी किसी को मां प्रदान करना, मेरे जैसे भोले भाले बच्चे पर इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी सजा। हे भगवान, काश मैं अपने पिताजी इतना बड़ा होता तो जो मन में आता वो कर सकता, जिधर जाना होता उधर जा सकता और जो खाना होता वो खा सकता। हे भगवान, काश मेरी इच्छा पूरी हो जाती, काश मेरी इच्छा पूरी हो जाती भगवान, काश। हे ईश्वर, मुझे अपने ही बेटे को इस तरह सजा देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, उसके भविष्य की चिंता मुझे सताए रहती है। जो अफसर मैं बनना चाहता था, मैं चाहता हूं ये बने। काश मैं अपने बचपन में वापस जा पाता और खूब मन लगा कर पढ़ता, जिससे मुझे इसके भविष्य की भी चिंता ना रहती। हे ईश्वर, काश मेरी इच्छा पूरी होती। हे ईश्वर, लेकिन यही तो मैं चाहता था कि काश मैं अपने पिताजी जितना बड़ा हो जाऊं,
सोचा था जो मन होगा वो करूंगा, जो मन होगा वो खाऊंगा, जिधर मन होगा जाऊंगा। अगर अभी मैं बच्चा ही बन गया तो जैसे मैंने सोचा था कि मैं मन लगा कर पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगा। अभी मैं क्यों समय बर्बाद कर रहा हूँ? एक काम करता हूँ, मैं मास्टर के घर जाता हूँ और अपने लिए कुछ किताब भी लाता हूँ। तो अब मेरे पर कोई पाबंदी नहीं, पढ़ाई की तो चिंता ही नहीं। चलो अब विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो थोड़ा कबड्डी खेल लेते हैं। सेवा कर सके। जब तो
सुबह चंद्र है, तुम राक्षस चंद्र है। बिल्कुल पीपल से पेड़ के लटकता भूत है, भूत जो मोहन गलत कहानियां बना रहा है। बिल्कुल बकवास है, बेतु की कहानियां। दुश्मन तुम, दुश्मन तुम, ये सब क्या बोल। अरे रुको रुको, ये तो आपस में उलझ पड़े। अरे मेरा भी तो सुनो, मैं सुभाष चंद्र हूँ, सुभाष चंद्र। बाहर कोई मेरा बात मानने से ना तो मैं घर ही जाता हूँ और ललिता को ये बताता हूँ। अरे सुदीप्तो, सुदीप्तो जल्दी खेलने आ। आज जी भर के कबड्डी खेलेंगे। आज हमको ना मेरे ना तुम्हारे किसी के पिताजी में रोकने का तम नहीं। सुदीप्तो, सुदीप्तो, अरे कहाँ रह गया सुदीप्तो? अरे जल्दी, अरे आप बोलो। अरे मैं तुम्हारा दोस्त सुशील चंद्र। अब जल्दी बाकी सब को बुला। जी भर के कबड्डी खेलेंगे। अरे काका आपको शर्म नहीं आती? कुछ जैसे बच्चों के साथ मजाक करते हो। अरे कम से कम मेरी उम्र का तो नहीं, मैं अपनी उम्र का नहीं ला सकता। अपने बच्चों को पाली और उम्र में कुछ जैसे बच्चों के साथ कबड्डी खेलने गए। अब बिहार में हमारे बात मानने से रहा।
अरे ललिता की मिस्टी लाजे। अरे वाह ललिता, वाह बचा लो इन गांव वालों से। ललिता मैंने थोड़ा सा गरम चाय और बूढ़ी लाओ, ये मास्टर ने मेरा दिमाग खराब कर लिया। अरे वो बुढ़ा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे माँ बोलने का? मैं तो भी जवान और महिला हूँ समझे बूढ़ी बाबा। तुम थोड़ा थोड़ा मेरा सुशील जैसा ही दिखाई देता है, अगर उसे दाढ़ी मूंछा दे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखेगा। अरे वो बच्चा तुम हंसता क्यों है? माना कि अभी मैं जवान लेकिन इसलिए नहीं आई तो कितना मुझे ऐसे बदतमीजी से बात करे। और क्या कहा चाय पूरी हो तुम्हारे लिए, तुम है कौन इसका बच्चा? अरे कल कुछ और रंगों को आपके सामने बिखेरने वाले हैं। तब तक
आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत कड़ी मेहनत में आज हम ऐसे स्तर पे पहुंचे कि पुणे का एकमात्र हिंदी थिएटर है जो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे कम्युनिटी थिएटर होगा या प्लेबैक थिएटर होगा स्ट्रीट प्ले होगी पुलिस के साथ हमने फिल्म भी पढ़ाई है सामाजिक विषय यह हमारी धारा है और नेशनल इंटीग्रेशन हमारा जो जितने भी मेंटर है जो मेंटर है मेंटर के लिए इसने ताले बजाए कि ये जो आपको बच्चों को
आंगन में बच्चे ड्रामा भी करते और खेलते भी रहते। माँ बाप उधर अंधेरे में बैठे रहते कि अपना बच्चा कैसा करे क्या करे, लेकिन बच्चे इंजॉय करते थे। रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे हम वही चला जाता था, लेकिन वो वहाँ के वहाँ रहते थे। मेरे ख्याल से उनका एक लाइफ का एक बहुत सुंदर खूबसूरत ये समय था। और मैं आपके लिए मैं आपका इसलिए आभारी हूँ कि आपने आपके बच्चों को ऐसा है बहुत बच्चों को कन्वर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। और आजकल इतनी एक्टिविटी में इतनी सारी है, लेकिन माँ बाप के समय उनके पास समय ही नहीं बच्चों के साथ आने। इसलिए आप जो माँ बाप उनके साथ रोज आते थे 2-2 घंटा वहाँ पर बैठते थे, तो पहले तो मैं आपका आभार मानता हूँ कि आपने आपके बच्चों को यहाँ पर देखा होगा कि वो जो छोटी दादी बनी थी मेरे बड़े बड़े तो ऐसा नहीं मंच पर आने के बाद जो बातें करते थे मुझे, हमें वहां से पैसे तो डर लगता था ये मंच पर कुछ गड़बड़ करेंगे, उधर बहुत गड़बड़ करते थे लेकिन इधर कुछ भी गड़बड़ नहीं। आपको भी पता होगा कि आपका भी आपके बच्चों के साथ पहली बार आज परिचय हुआ कि हमारे बच्चे क्या है। ये आपका एक श्रेय है कि आपने और यहाँ स्वतंत्र थिएटर को मौका दिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज बहुत शहर में चलनी चाहिए, तो हम मोबाइल और ये सब चीजों से बच्चों को दूर रखें। आज एनजीओ लोग काम करें कि मोबाइल एडिक्शन कैसा निकालना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी बेहतरीन एक्टिविटी रही तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा ये संधि रहेगी। और इसके आधार पर ये भी दावे के साथ कह सकते हैं अभी ये इन लोगों ने जो एंकरिंग किया कितना कॉन्फिडेंस था उनका, तो एक बड़े होकर बहुत अच्छे एंकर बने गारंटी के साथ। जो हमारे लेखक आया और रेलवे में अधिकारी थे मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पीछे हमेशा रहते स्वतंत्र थिएटर के साथ में, उन्होंने हमारे शो दिल्ली में रखे आगरा में रखे, तो उनके लिए मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। और शायद कितने ही लोगों के जिन्हें घंटे में अपना मोबाइल ही देखा होगा इन बच्चों के अपने के आगे कि आज जो फल खा रहे हैं कल किसी ने पेड़ लगाए होंगे, और आज जो किताबें पढ़ रहे हैं शायद कल किसी ने लिखी होंगी। ये हमारे भविष्य के कलाकार हैं, इनके अभिनय की का क्या तारीफ करूँ, खासतौर से पूरी टीम की। और युवराज शाह युवा भी हैं, राजा भी हैं और शाह भी हैं। जो धरा हमें दे सकता है और उसमें अभिजीत और धनश्री जैसे खंभे खड़े हो, तो मैं समझता हूँ नाटक जो है जिंदा रहेगा, नाटक रुकेगा नहीं। और मुझे इन बच्चों में भविष्य के बहुत अच्छे कलाकार नजर आ रहे हैं। मैं याद कर रहा था पहला नाटक मैं 1964 में किया था और अगले साल करीबन 60 साल पूरे कर रहा हूँ इस अपने यात्रा में। नाटक किया उसके बाद 10 साल इप्टागेशन थिएटर किया, कुछ फिल्में की कुछ सीरियल्स किए कुछ कविताएं लिखी, और अब पुनः सितंबर में फिल्म की शूटिंग है उसमें एक मोहम्मदन क्लब का किरदार है मेरा एक फिलोसफर का, उसका एक डायलॉग ये है कि कोई भी धर्म देश से बड़ा नहीं होता। नाटक कलाकार की कोई जात नहीं होती, और जो इन्हें टीम वर्क दिखाया है
मैं क्या इसकी तारीफ करूं, सुपर। और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप तो आ रहे हैं, आपके बच्चे हैं, इसकी आ रहे हैं। हम पॉपकॉर्न सिनेमा हॉल में 250 रुपए का खरीद सकते हैं और नाटक का टिकट 200 रुपए का मिल सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कल आप तो आए हैं, अपने पड़ोसियों को भी लाएं और बताएं कि हमारे बच्चे हमसे कहीं ज्यादा काबिल हैं। धन्यवाद। युवराज सर ने एक बड़ी ही अच्छी मुहिम की है, छोटे छोटे बच्चों को उनको इस मंच पे खड़ा करके आज मोबाइल और टीवी और ओटीटी की दुनिया से बाहर निकालने के लिए छोटी छोटी दादी तो युवराज सर तो एक मिसाल है पुणे के लिए। जो भी इनके बारे में जानते हैं वो SMJV के बारे में जानते हैं, वहाँ एक अलग ही दुनिया है। हम उस दुनिया को देख चुके हैं, वो आप लोग और हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। उस कैंपस के अंदर एंटर करते ही सर ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहाँ ना फोन का मन करता है, ना आर्टिफिशियल दुनिया से अलग, एकदम नेचुरल। और ये नेचुरल बच्चे आपके सामने आपको नेचर की तरफ ले जाने के लिए आए, तो मैं चाहूँगी इनको ज़रूर आप और सब अपने बच्चों में भेजिए। मैं भी चाहूँगी कि मैं मुंबई से पुणे शिफ्ट हूँ और अपने बच्चे को स्वतंत्र भेज। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। सुझाव भी आमंत्रित है। हाँ वहाँ से भी बोल सकते हैं। हाँ आनंद तो वहाँ से जल्द से बोल। सबसे पहले तो मैं हम सभी दर्शकों की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगी। पेरेंट्स साक्षी हैं उसके कि कितना हार्डवर्क लगता है। और लास्ट टाइम के कंपैरिजन में जब मैंने इस बार बच्चों का एनरोलमेंट देखा, मैंने देखा इतने छोटे छोटे बच्चे इस बार आए, कैसे ये लोग इस लेवल का एक कार्यक्रम 40 दिन में खड़ा कर देना, क्या ये संभव है? ये मेरा फर्स्ट डे जब मैंने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ आते हुए देखा तो एक मन में डाउट क्रिएट हुआ था। बट जब मैं यहाँ देखती हूँ आप लोग किसी भी में भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, वो पावर है इस थिएटर में। सो कल भरत के रंग भाग 2 की प्रस्तुति आपके सामने होगी। 5 अलग कहानियाँ जो आज बैक स्टेज में थे वो कल ऑन स्टेज दिखेंगे। कुछ कलाकार बैक स्टेज थे और दर्शक मन के लिए बैठे हुए हैं और हाँ उनका सबको बुला लीजिए। तो ये तमाम कलाकार कल अपनी प्रस्तुति देंगे। तो उम्मीद है आप सबसे कल फिर एक बार मुलाकात होगी 6:30 बजे इसी स्थान पर इसी समय। बहुत बहुत